Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the Nutritional Vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करें. आज हमारे पास में है रेवेन्यू रीबाउंड की कंडीशन. अब रेवेन्यू रीबाउंड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, ये जो एडिटोरियल है आपके पास में, कहीं ना कहीं हमारे पास में देश की जो इकोनॉमी है उसको लेके देखने को मिल सकता है. इसका जो मेन अगर हम लोग देखना चाहें जो कंसेप्ट आपके पास में निकल के आएगा, रेवेन्यू आपके पास में इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे अगर हमें देश में थोड़ी ग्रोथ लानी है तो उसका पता हमें रेवेन्यू से ही चलेगा. अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हैं तो उसमें कितना हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हम उसमें यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, वो सब कुछ रेवेन्यू से ही तो पता पड़ेगा, कहीं और से तो पता पड़ेगा नहीं. ठीक है, उस कंडीशन में आओ जरा एक बार देखें. आपके पास में जो रिबाउंड वर्ड है, रिबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने पलट दिया, उलट दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि आपने रिबाउंड किया. या फिर इसको कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत सी बार लोग बार यूज़ करते हैं अपसाइड डाउन के सेंस में. अपसाइड डाउन मतलब उस चीज़ को आपने कम्प्लीटली क्या कर दिया है, उल्टा पुलटा कर दिया. या फिर उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपके पास में एक इसका मीनिंग कन्वे हो सकता है. ठीक है, तो अक्टूबर जीएसटी कलेक्शन मार्क शिफ्ट, उसने एक मार्क शिफ्ट किया है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रिमार्केबल शिफ्ट उसमें चेंज नजर आया है. शिफ्ट का मतलब भी यहाँ पर हम लोग चेंज से ही लेंगे, फ्रॉम सम रिसेंट ट्रेंड्स जो अभी चल रहे हैं, अभी करंट में अगर हमारे पास में कोई बात चल रही है तो उसमें एक रिमार्केबल चेंज हमें देखने को मिला है, तो उसको लेके चल रहा है. अब जीएसटी आप जानते हो कि जीएसटी आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो ओवरऑल इंडिया में एक ही टैक्स हम लोग लगाने की बात कर रहे थे. या फिर जब एनडीए गवर्नमेंट आया था तो उनका ये कंसेप्ट था स्टार्टिंग का, शायद 2014 के आसपास का था ये. ठीक है, तो उस कंडीशन की बात करें जो स्टार्टिंग में आया था उस टाइम पे. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हम लोग देखना चाहते हैं, ग्रोस. ग्रोस की हम लोग बात करें तो ओवरऑल ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू हिट देयर सेकंड हाईएस्ट मंथली टैली. जब इसको टैली किया गया है, पूरा का पूरा इसको चेक किया गया, तो उस दौरान पता चला है कि ये इसका सबसे अभी तक का जो सेकंड हाईएस्ट रहा है रेवेन्यू, वो हम लोग कह सकते हैं. क्योंकि अभी ये आपके पास में थोड़ा सा जो अगर आपको देखने को मिलेगा तो लिटिल ओवर 1.72 लाख करोड़, क्योंकि इतना जो अमाउंट है वो अभी तक देखने को मिला नहीं था, तो उसमें ये मंथ का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, और उसमें भी ये एक मेजर शिफ्ट था जो लोगों के सामने आया है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करना चाहें ब्रेकिंग अ फ्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स. पहले के ज़माने में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहे थे कि उसमें भाई छोटे से टाइम में इतना कलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये लास्ट में हो पाएगा, वो गलत है. इस बार जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें क्या हुआ है कि मंथली में आपके पास शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट देखने को मिल गया है. तो ये एक कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी हुई है जो बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गई है, चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं. टू स्टार्ट देयर रिफ्लेक्ट एट 13.4 अपटिक. अपटिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ग्रोथ को लेके बात हो रही है, तो उसमें एक मेजर ग्रोथ आपको देखने को मिली. अपटिक इंक्रीजमेंट हम लोग कह सकते हैं कि एक इंक्रीजमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिला है. जरा देखें एक बार इस वर्ड को, आपके पास वर्ड है अपटिक. अपटिक मतलब इजाफा हुआ है उसमें, स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड. यहाँ पे डाउन था लेकिन एकदम से अभी ये ऊपर गया है, इंक्रीज हुआ है इसमें, अप ट्रेंड हुआ है, राइज हुआ है थोड़ा सा. तो ये सारे के सारे आपके पास सिमिलर वर्ड हो जाएंगे. और अगर ये आपके पास में इंक्रीजमेंट को दिखा रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिक्लाइन. ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसी हो जो डिक्रीज हो रही है, डाउन टर्न हो रही है, डिक्लाइन हो रही है आपके पास में, रिडक्शन उसमें देखने को मिल रहा है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा दोस्त. ठीक है, अपटिक और लास्ट ईयर्स की थी. लास्ट ईयर की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो, अगर आप ये बात समझते हो कि आपके पास में जो किटी है, किटी जो वर्ड लिया गया है बेटा, वो लिया गया है किटन से. किटन का मतलब होता है बिल्ली के बच्चे, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड लिखा है किटी. किटी को अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पर आपके पास में स्मॉल के सेंस में, अभी फिलहाल इस वाले सेंस में अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो आपके पास जो किटी वर्ड आया है वो स्मॉल के सेंस में जाएगा. तो हाईएस्ट सो फार इन 2023. मोर ओवर इट रिवर्सेस अ परसिस्टेंट, देयर इज अ वर्ड परसिस्टेंट. अ परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा बेटा, परसिस्टेंट का मीनिंग हम लोग देखना चाहेंगे. बिल्कुल, परसिस्टेंट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो जिद्दी होता है, हटी होता है, डिटरमाइंड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट. देखिएगा, ये व्यक्ति इतना ज्यादा है स्टबर्न है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिजिड है किसी चीज को लेके, कि इससे मना कर देखे कि आपसे नहीं होगा लेकिन फिर भी इसने करके दिखाया है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इसको कि परसिस्टेंट हो गया ये. ठीक है, टेनेसियस आपके पास में वर्ड हुआ डिटरमाइंड, रेजोल्यूट. डिटरमाइंड हम लोग यूज़ करते हैं कुछ ऐसी होती है जो आपके पास फ्यूचर में होनी ही है,
प्रिजर्विंग आपके पास में, डॉग्ड आपके पास में होगा, अनयील्डिंग स्टेडफेस्ट हो गया, रिलेंटलेस आपके पास होगा, एंड्यूरिंग टायरलेस, कोई इंसान ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है किसी काम को लेके कि हाँ मुझे ये करना ही है। जिद्दी आपके पास में अच्छे काम के लिए भी होता है, बुरे काम के लिए भी होता है, तो आपके पास उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास में अपोजिट, जो व्यक्ति ऐसा होता है जो रिलेक्टिंग होगा आपके पास में, रिलेक्टेंट जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, यील्डिंग आपके पास में, जो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट आपके पास में हो गया, अनकमिटेड जिसको कोई मतलब ही नहीं कि बस हाँ जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट होगा किसका, परसिस्टेंट का। चलिए आइए जरा, परसिस्टेंट डिक्लेरेशन जो एक एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन था इन रेवेन्यू ग्रोथ, और ये रेवेन्यू ग्रोथ को लेके एक परसिस्टेंट डिक्लेरेशन था जो सीन थ्रू द सेकंड क्वार्टर, जो इस सेकंड क्वार्टर में देखने को मिला ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 11.5% बिटवीन अप्रैल एंड जून। ठीक है, अप्रैल और जून में 11.5% का जो ग्रोथ था वो देखने को मिला था, ये इसका एक एवरेज बता रहे हैं। द राइज इन जीएसटी रेवेन्यूज हैज शोड टू 10.6 बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, विद द लास्ट मंथ सीइंग अ 27 मंथ लो अपटिक ऑफ 10.2। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मंथली रेवेन्यू निकल जाता है उसमें आपके पास में लास्ट मंथ जो था वो 27 महीने में सबसे लो अपटिक था, जिसमें आपको अगर हम लोग देखना चाहें जो 10.2% का हमें देखने को मिला था, और अभी का जो आपके पास में बात कर रहे हैं हम लोग वो आपके पास में 13.4 का है, जो हाईएस्ट मान रहे हैं वो अभी तक। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर शैल होप दैट दिस ग्रोथ रेट पिक अप सस्टेन। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाए, मतलब ठहर जाए, यहीं पर थम जाए, इसी जगह रुक जाए, या फिर इसी जगह एग्जैक्ट होके रह जाए, या फिर इसमें कहीं ना कहीं और भी ग्रोथ होती रहे। ठीक है, कुछ जगह अगर इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे तो स्थिर हो जाए, ये भी उनका सस्टेन का मतलब जो हम लोग लेते हैं वो नॉर्मली स्थिर होने के लिए यूज करते हैं। आपको याद है कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनिशियल जो फेज होता है उसमें कंसीविंग जब होती है तो उस टाइम पे सस्टेन के इंजेक्शन लगवाते हैं, दैट मीन्स वो प्रेगनेंसी के स्थिर होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, उसके लिए सस्टेन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो उस कंडीशन में स्थिर हो जाए, वो चीज़ आपके पास में होती है। सो दैट इट्स 2023-24 फिस्कल मैथ गेट्स सम बफर फ्रॉम एनी पॉसिबल स्पेंडिंग और सब्सिडी शॉक्स। यहाँ पर कोई सब्सिडी शॉक हमें देखने को नहीं मिले, और जो हम लोग इसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो फोरकास्ट करना चाह रहे हैं चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कोई प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग इजीली कर पाएँ। और हमारा जो आने वाला 2023-24 का जो फिस्कल ईयर होने वाला है उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से उसकी कैलकुलेशन बिठा पाए। ठीक है, वेदर दे अराइज, यहाँ पर एक सेकेंड, वेदर they arise from external risk such as fuel or urea prices or internal one such as pre-election goodies like extending the free food। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इसमें फ्री खाना मिल रहा है लोगों को, हो सकता है कि यहाँ पर यूरिया प्राइसेस को लेके कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाए, या फिर फ्यूल को लेके कुछ दिक्कत देखने को मिल जाए, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा जीडीपी वगैरह का कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू में थोड़ा सा हमें अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, ये इनका एक पॉसिबिलिटी है, अभी तक ये पॉसिबल आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि प्री इलेक्शन है तो उसमें बर्न ज़्यादा होगा, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बर्न को लेके तो उसमें ज़्यादा बर्न हमें देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है उसमें, क्योंकि लोग फ्री का खाना बांटते हैं, फ्री का फूड वहाँ पर देंगे लोगों को, गेहूँ बांटेंगे, ज्वार बांटेंगे, मक्खा बांटेंगे, जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो सब फ्री में करने की कोशिश करते हैं, जो आपको याद है एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्री बीज। ठीक है, तो फ्री बीज वो यहाँ पर करने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, ग्रेन्स प्रोग्राम सीन ओवर अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम। ठीक है, लास्ट मंथ मीटर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बेलाई अ पैटर्न दैट द हाइस्ट रेवेन्यूज आर रिसीव्ड इन अप्रैल। वो कह रहे हैं कि जो अभी तक का हाइस्ट रेवेन्यू है वो हमें अप्रैल में रिसीव हुआ था। अब अप्रैल में रिसीव होने का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो इनकम टैक्स वाला सीन होता है तो सभी ITR उस टाइम पे ही फिल करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे ये एकदम से बूम इसमें देखने को मिल सकता है लोगों को। ठीक है, एज बिजनेसेस क्लोजेस देयर बुक्स, क्योंकि उस टाइम पे ही लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा अच्छा सा वर्ड है इसके लिए, हाँ उस टाइम से ही उनका नया हम लोग कह सकते हैं जो नया ईयर होता है वो चालू होता है, वो शुरू होता है उस कंडीशन में, नया जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो वहीं से काउंट करते हैं हम लोग।
ठीक है। आपको याद है विक्रम संवत के हिसाब से इन चीज़ों को देखा जाता है अपने इंडिया में, तो एटलीस्ट ये है। तो नया जो फिस्कल फाइनेंशियल ईयर है वो हम लोग वहाँ से मान के चलते हैं, तो उस टाइम पे लोग बाग अपनी जो लॉग बुक्स वगैरह होते हैं, अकाउंट्स की जो बुक्स होती है, उनको वहाँ पर क्लोज करके नई बुक्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब नई बुक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर पुरानी को। तो उसका पूरा का पूरा यानी कि हो सकता है कि रेवेन्यू या फिर जितनी भी उनकी उधारी वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब वो उस टाइम पे खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं नए वाले में, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है तो वहां पर उस टाइम पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ईयर एंड कंप्लायंसेस हैड प्रॉप्ड अप दिस अप्रैल्स किटी टू अ रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़, ठीक है। उस टाइम कह रहे थे कि अप्रैल में ये जो रहा था वो आपके पास में 1.87 लाख करोड़ का रहा था जो रेवेन्यू आपके पास अभी है। द एंटायर बम्प अप इन अक्टूबर्स रेवेन्यू, बम्प अप एकदम से कहीं ना कहीं से उछाल आया उसमें, ठीक है, उसमें उछाल आ गया। इन अक्टूबर्स रेवेन्यू स्टेमिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन अंडर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन सेप्टेम्बर मे नॉट बी एस्क्राइब्ड, दैट्स अ वर्ड एस्क्राइब्ड। अगर हम लोग इसका मीनिंग कन्वे करना चाहें बेटा, एस्क्राइब्ड कहाँ गया एस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी से रिलेटेड होना, कारण बताना, ये हमारे पास में हो सकता है उस चीज़ का, ठीक। एट्रीब्यूटेड इम्प्यूटेड क्रेडिटेड किस चीज़ को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, किसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं टू से दैट समथिंग वॉज रिटन बाई अ बिलोंग्ड टू समबडी टू से वॉट कॉज्ड समथिंग, किस वजह से क्या चीज़ हुई और ये चीज़ इससे रिलेटेड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्राइब्ड, ठीक है, कारण बताना, या फिर उसके कहीं ना कहीं हम लोग रिलेशन बता रहे हैं, तो वो कंडीशन आपके पास एस्क्राइब्ड में हम लोग लेके चलते हैं। ऑपोजिट इसका देखना चाहें हम लोग, तो ऑपोजिट आपके पास में आप वहाँ पर उससे क्या कर रहे हो, कंप्लीटली डिनाय कर रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा नहीं है, और वहाँ पर आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा है। रिफ्यूटेड वहाँ पर दिखा रहे हो, डिसअवॉर्ड वहाँ पर दिखा रहे हो, डिसऑन्ड वहाँ पर दिखा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ऑप करते हो तो ऑपोजिट में आपके पास जाएगा बेटा, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। तो अंडरटेकन इन सेप्टेम्बर मे नॉट बी एस्क्राइब्ड, उससे हम लोग रिलेट करके नहीं दे सकते, देख सकते, ठीक है, टू अ कंजम्पशन स्पाइक एट द ऑनसेट ऑफ द फेस्टिव सीजन, ठीक है, अभी फेस्टिव सीजन भी है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। एक्सपर्ट्स बिलीव द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स कंटिन्यूइंग क्रैकडाउन ऑन द नॉन कंप्लाइंट एंड अ सेप्टेम्बर 30 डेडलाइन फॉर सेटलिंग एनी डिस्प्यूट्स। और क्या बोल रहे हैं उन्होंने, सेप्टेम्बर 30 का उन्होंने डेडलाइन दिया था ताकि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो उसको भी उसमें रिजोल्व कर दिया जाए कि हाँ किसी का अगर गलती से कुछ ज़्यादा इनकम टैक्स चार्ज कर लिया गया है तो वो उसको लेके वो सेटल कर देंगे, और सेप्टेम्बर 30 तक का ये बात हुआ था। डेट में हैव अराइजन सिंस द GST रिजीम लॉन्च, हम लोग यहाँ पर स्कीम समझ के चलेंगे, ठीक है। ऑल्सो प्लेड अ रोल, हाउएवर देर इज सम इंडिकेशन ऑफ रिकवरी इन डोमेस्टिक डिमांड, हो सकता है कि इसमें डोमेस्टिक जो डिमांड है हमारी वो थोड़ी बढ़ जाए, तो नॉर्मल सी बात है सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, जितनी डिमांड होगी इतनी सप्लाई होती है, ये खेल ही ऐसे खेला जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। वेल रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज इम्पोर्ट्स ग्रू 13%, वो बढ़ गए थे 13% बढ़ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। द रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम इम्पोर्ट्स दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज वॉज शार्पर एट 13.94%. This is not only the fastest uptick in at least 9 months, but also marks only the third time in 7 months that goods import revenue have grown. ठीक है, revenues have grown. Some of this must reflect a rebound in discretionary demand, even if this may be largely. अब यहाँ पर एक वर्ड आया आपके पास में डिस्क्रिशनरी, आप उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। डिमांड इफ दिस मे बी लार्जली फॉर प्रीमियम और हाई एंड गुड्स रादर देन अ ब्रॉड बेस्ड बम, इफ दिस सस्टेन्स थ्रू द फेस्टिव सीजन्स रेवेन्यूज कुड होल्ड अप इवन इफ कंपनीज आर रिपोर्टिंग सम वीकनिंग ऑफ डिमांड ग्रोथ इन अक्टूबर इन कंज्यूमर गुड्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। अ न्यू एमनेस्टी, दैट इज अ वर्ड एमनेस्टी, हम लोग इसको भी अभी देखने वाले हैं, ठीक है। एमनेस्टी स्कीम टू सेटल अ लिमिटेड सेट ऑफ GST डिमांड्स अनवील्ड, उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज किया कहीं पर लास्ट वीक ऑफ टैक्स पेयर्स हु फेल टू अपील देम इन टाइम मे ऑल्सो बोल्स्टर, दैट इज अ वर्ड बोल्स्टर, हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, द किटी एज इट मैंडेट्स फर्म्स टू डिपॉजिट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ
डिस्प्यूटेड लेवाई, ठीक है। फोर, कंसिडरेशन एनी वन लेकिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ जी एस टी हैज अ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स टू एसेस द इकोनॉमीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ सच फैक्टर्स, ठीक है। सबसे मेन चीज जो इसमें कह रहे हैं कि भैया अगर आप कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कहीं पर भी रिबाउंड नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, वो ग्रोथ की ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ ही करते रहना चाहिए, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमारे पास में जो वर्ड थे वो आए, जरा एक बार हम लोग उसको समझे, कौन कौन से वर्ड हमारे पास में थे। रिबाउंड आपके पास में एक वर्ड था, रिबाउंड का मतलब होता है उलट जाना, पट्टा आपको देखने को मिल सकता है, बाउंस उसमें हो सकता है तो ऊपर नीचे, वहां पर आपके पास में रिकॉइल, कैरम, एको, ये सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। टू हिट समथिंग समबडी एंड देन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पहले इधर जा रहा था फिर इधर हो गया, पहले ग्रोथ था अब पीछे हो गया, तो ये आपके पास में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ की बात होगी, डिक्लाइन की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास में सिमिलर वर्ड थे और ये आपके पास में ऑपोजिट थे उसके। देन वी हैव दिस वर्ड, एज आई सेड, बोल्स्टर, किसी को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, तो आपके पास में वो चीज़ सब होती है बोल्स्टर, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी को हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे धकेलेंगे, कहीं ना कहीं उसको डिमिनिश करना चाहेंगे, हिंडर करना चाहेंगे या फिर वीकन करना चाहेंगे। तो ये आपके पास में इसके लिए सिमिलर, सॉरी ऑपोजिट वर्ड थे, जो हम लोग कह सकते हैं कि आप बोल्स्टर नहीं करके उसको कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश करते हो, उसको सैबोटेज करने की कोशिश करते हो, उसको कहीं ना कहीं अंडरकट करने की कोशिश करते हो, अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, तो ये आपके पास में इसके ऑपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा। देखो सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट है आपके पास में। दस अदर वर्ड वी हैव एमनेस्टी, एमनेस्टी, सबके सामने क्षमा मांगना, राजक्षमा। अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम, कोई पॉलिटिकल क्राइम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी, एक तरह की क्या होती है, पार्डन होती है, माफी होती है, माफी होती है, क्लेमेंसी होती है, फॉरगिवनेस होता है, एब्जोल्यूशन वहां पर होता है, रिप्रीव वहां पर देखने को मिलता है, एक्जोनरेशन आपको देखने को मिलेगा, इम्यूनिटी आपके पास, मर्सी, ग्रेस, इंडेमनिटी आपके पास हो गया, रिमिशन आपके पास हो गया, लिबरेशन आपके पास हो गया, एक्सक्यूज, एक्विटल, वहां पर सबको छोड़ दिया जाता है, एक्विटल का मतलब होता है किसी को बरी करना, ठीक है बेटा, एमनेस्टी। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, वहां पर उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा, कोई माफी नहीं मिलेगा, पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, कन्विक्शन होगा, प्रोसिक्यूशन वहां पर होगा, आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, अकाउंटेबिलिटी आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। सिमिलर वर्ड है आपके पास, रेट्रीब्यूशन आपके पास के लिए होगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट वर्ड हो गया, ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो गया। और वर्ड कोई सा है, रिज्यूम, रिज्यूम की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कोशिश क्या होती है, प्रशासन होता है, शासन करना होता है, कहीं पर कोई रूल होता है या फिर कहीं पर कोई गवर्न करने की जो बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिज्यूम, ठीक है। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, अथॉरिटी, लीडरशिप सिस्टम, मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, रिज्यूमेंट आपके पास में, गवर्नेंस आपके पास में है, ठीक है। ये आपके पास में रेन आपके पास जो है, ये आपके पास होता है रूलिंग एरिया, रूलिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पर किसी का पावर होता है, अथॉरिटी होती है, तो ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, एनार्की, विदाउट एनी रूल, कहीं पर कोई शासन ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में एनार्की ही है। एक तरह से हम लोग देखिए अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पर सिचुएशन चलती रहती है इस तरह की, ठीक है। डिसऑर्डर, केओस, ठीक है, लॉलेसनेस वहाँ पर हो गया, रेबेलियन अब हर जगह देखने को मिलेंगे, अपराइजिंग, रेवोल्यूशन, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो ऑपोजिट होगा रिजिम का। और तो हम लोगों ने सारे कर लिए थे, ठीक है। तो आज की हमारी जो बात होगी वो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप आपको वीडियो से अच्छे लग रहे होंगे, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई हाँ इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, तो प्लीज़ अपने सजेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो। बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।